गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सॉरी हम कुछ दिन इनएक्टिव थे क्योंकि कुछ काम वाम था, इसलिए हमें इनएक्टिव रहना पड़ा। बट अब से व्लॉग आएंगे। अभी जो फैब मंथ है उसमें आपको बहुत सारे व्लॉग देखने मिलेंगे। और अगर व्लॉग अगर हम लोग अगर नहीं कर रहे ना अपलोड, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो शॉर्ट्स तो डाल ही देते हैं। तो आज के व्लॉग में देखो, आज तो हमारे जो बिल्डिंग में जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे आज क्रिकेट मैच है। वेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये देखो, यहाँ पे चल रही है क्रिकेट मैच। और ये देखो, यहाँ पे लाइटिंग्स लग गई है क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को है हमारी बिल्डिंग की पूजा। तो अभी लाइटिंग्स वाइटिंग सब लग गई है और पूजा भी होने वाली, इसलिए आज ये लोग के क्रिकेट मैचेस है। क्योंकि इन्हें बस वीक लाइक वीक में ही जो मिलता है ना वीकेंड, इसलिए तो आज यहाँ पर ये लोग ने स्पेशल खाना भी रखा है इनके लिए, ठीक है, इनके लिए बिरयानी। और अभी तो मैचेस चल रहे, सुबह से चल रहे हैं मैचेस। देखते आज हम लाइक आज खाने में क्या बन रहा है। सो आज खाने में बन रहा है चिकन। तो यहाँ पे रोजी के लिए निकाल दिया है थोड़ा सा, देखिए आ गया। ये देखो, ये रोजी के लिए निकाला है इसके। और हमारे लिए भी बन रहा है। अभी मम्मी ने बॉइल होने को रख दिया है चिकन और वो तो बनेगा। फिर वहाँ पे झूली है जिसका पेट दुख रहा है, वो भी चिल्ला रही है काला, इसका पेट दुख रहा है। बट इसको इसके घर पे देखना है, ये भी यहाँ से देख रहा है। ये देखो, और ये इसको देखो, खाना तो नहीं चाहिए बट पता नहीं ऐसे क्यों घूम रही है काला। बेचारी का पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है और रात भर उसने बहुत चिल्लाया है। अभी जा रही है इसके घर में शायद। कुटे जाते हैं, नको जाओ दे घर आज। अभी उसके घर में जाएगी और पूरा बाल 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 फैला देगी। दीपक सुसु ना, उसको इसको कुछ तो कर रही है। अरे इसका उसका भी स्मेल ले रही है। बाहर है लोकर आ गए, सुनती तो है बिल्ली मेरी, सुनती तो है। ये देख लो इसको, ये पूरा नेक इसने अंदर ले लिया इसके डर से। अरे सो गाइस, अब मैं इसको, ये बहुत कैमरा शाय पर्सन है, इसको पसंद नहीं है कैमरा में आना। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाली थी, ये स्केल जो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी वो मैंने देखी। इसका यूज़ क्या है? और ये भी है भाई भाई, ये सब क्या क्या है गाइस देख रहे हो? ये देख लो, ऐसा नॉर्मल ट्रायंगल तो मैंने देखा है बट ये सब नहीं देखा है। ये फिर ये वाला, फिर इसके हाथ में भी है ये आर्टिस्ट। गाइस देख रहे हो, आर्टिस्ट देख रहे हो, ये आर्ट के पीछे ये चेहरा छुपा है। कोई ना पप्पा कोई ना गाइस, इनको परेशान करने में मजा आती है। पप्पा पप्पा मेरे को नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि पप्पा मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताओ गाइस, आप लोग ने, हाँ खेलो, ये बचपन में खाया है क्या ये जली? बताओ। मैं आज ही लेके आई, मैंने ये लेके आया। और ये देखो, मैं ये लेने गई थी नीचे कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था ना हेयर्स के लिए, तो मेरे को ये कैप्सूल की ज़रूरत थी। पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा महंगा आता है, ये इतना सा पैकेट 45 रुपीज़ का आया मेरे को ये विटामिन का कैप्सूल। और मैंने ये इतने ही चार फ्लेवर्स थे, तो मैंने ये चार फ्लेवर्स के जले भी ले लिए। सीरियसनेस देख रहे हो? अब मैं निकल गई हूँ, ये मेरा रोज का काम है, मुझे डॉग्स को खाना देना है। अब मैं जा रही हूँ वो देने क्योंकि रात का बहुत सारा बच गया था, तो वेस्ट ना। तो इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया है। ये रहे वो बेबीज, तो मैंने आपको दिखाया था कि इतू से थोड़ा, अब देखिए कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं क्यूट से। इसके हेयर पे ना बहुत सारे वो टिक्स हो गए और इसकी वजह से इसका देखो एक कान पे भी ना लग गया है शायद, ये देख लो।
बहुत ज़्यादा टिक्स हो गए इसके फेस पे, तो मेरे से जितना हो रहा है मैं फ़िलहाल तो निकाल रही हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा हो जाएंगे फिर, जितना जितना हो सके मैं निकाल सकती हूँ इसको। हाँ बोल, कुटले वाला यूज़ करना रहे तो गाइस यार इतना सारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है बताती हूँ रुको। तो गाइस बताती हूँ कि मैंने कैमरा क्यों ऑन किया, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट बैठी थी काम करने, ठीक है, तो हमारा कुछ डिस्कशन चालू हुआ। मैंने उसको बोला कि मुझे आज हेयर में एक चीज़ लगाना है, उसके लिए लगेंगे एग, तो जो एग का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो लगेगा। तो इसने मेरे को बोला कि मत, कि वो चीज़ मत लगा, वो लाइक इससे बाल पे कुछ फ़र्क नहीं आएगा, वो ख़राब रहता है, मतलब इसका वो पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि इसने भी शायद किसी के वीडियोज़ देखे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था कि जो नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके भी है मेरे भी है, ठीक है, बट ये इसकी स्किन फेयर है तो इस पर ज़्यादा दिख के आता है, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था और मुझे आज पता चला, मैं रहती हूँ दिन भर घर पे, ठीक है, बट मुझे आज पता चला कि इसने अपने फेस पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए। मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि इसने क्या क्या चीज़ें की है, ये मेरे को आज बता रही है। फिर से डार्क सर्कल्स के लिए गाइस लिटरली बता रही हूँ, इसने डार्क सर्कल्स के लिए भी कुछ कुछ लगाया था, फिर अब ये ब्लैक हेड्स के लिए भी कुछ दूध या फिर कुछ तो लगा रही है, पता नहीं। ये डेली ना फेस पे कुछ ना कुछ तो कर रही है, ठीक है। कल भी इसने शायद वो हल्दी एंड ऑल जो भी रहता है उसका पैक, वो कल इसने फेस पे लगाया था, मुझे पता भी नहीं कि इसने कब लगाया, कब धोया, कब क्या किया, और ये मुझे आज बता रही कि मैंने ये सब चीज़ें की है, तो तू अभी ये सब चीज़ें मत कर, इससे कुछ नहीं होता। अरे बोला वाह, अभी भी ये वाइटी पे एक सेकंड है, ये देख लो इसके, और ये अभी भी वाइटी पे यही सब देख रही है। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं वाह दीदी, इसका वाइटी का थोड़ा सर्च देखते, इसका वाइटी पे सर्च में क्या क्या है। अरे ते सर्च नहीं रहे ते लाइक है ओके। देखकर हिस्ट्री गाइस, इसके हिस्ट्री देखो, इसको कौन सा क्या ग्लास, कसला ग्लास, ग्लास स्किन चाहिए इसको। ये देखो ये 7 डे स्किन चैलेंज, ये अभी ये वो 7 डे स्किन चैलेंज, नो हेयर फॉल चैलेंज, आई प्रो लिटरली गाइस, मतलब इसका रुको ना ताको ना जरा एक मिनट ना, मैं इसका और बता रही हूँ, रुको। आईब्रो, इसके आईब्रो ग्रोथ कम है, तो इसने देखा है आईब्रो का, थाम ना यार एक सेकेंड, इसने आईब्रो का भी देखा है, ठीक है, ठीक ठीक आईब्रो, इसने लिप्स का भी देखा है, पिगमेंटेड लिप्स या एक या गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 7 डेज एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज, और ये क्या ग्रोथ ठीक आईब्रोज एंड लॉन्ग आईलैश, थाम ना, और हाउ टू ग्रो, ये तो आईब्रोज का था, ये कुछ शॉर्ट्स वीडियो है, देखो भाई इधर भी है गाइस स्किन चैलेंज रिमूव, देखो ये ब्लैक हेड्स वाला, ये वाला, ये पोर्स वाला, कितने भी मुश्किल ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकल सकते हैं, ग्लास स्किन, बाप रे बाप, यहाँ पे तो चलो गान है, ये हेयर्स कर लिया, अरे हेलो लोगो ना निकल रहा है इधर, हेयर्स कर लिया दीदी, निंजा टेक्निक, इस पे पानी लगा के 2 घंटे तक रख लिया, और ये मुझे इसने बताया कि इस अभी इसने इसको पानी लगाया और इसको 2 घंटे तक रखा है घर पे, ऑलरेडी कर्ल्स का भी मशीन है, ठीक है, कर्ल्स का भी मशीन है, बट इसको पानी लगा के 2 घंटे का वो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हीट नहीं चाहिए हेयर पे, इसलिए अभी ये 2 घंटे तक रखेगी इतना सा पार्ट और इसको कर्ल करेगी। सो गाइज अभी हमारे फिश को पता नहीं कुछ हो गया है, अभी मेरे को जिस मम्मी ने बुलाया मेरे को पूछा ये देख क्या हो गया, मैंने देखो ना मैंने हाथ भी उसको लगा के देखा है, मतलब पानी अंदर है, गर्म है क्योंकि हीटर ऑलरेडी चल रहा है, बट इसका कुछ वो नहीं हो रहा, ब्रीथिंग ही नहीं हो रहा इसको, और ये देखो छोड़ने के बाद पूरा
पूरा नीचे जा रहा है ये, देखते हैं फिर भी अभी इसमें शायद नमक डालेंगे जो इनका आता है उसको रखेंगे थोड़े देर, अगर ठीक हुआ तो अच्छा है करना, फिर इसको वहाँ पे जाके वो करना पड़ेगा। 3 hours later गाइस अब मैं हूँ, मेरी बहन जा रही है, पहले डॉग्स को वो डालना है खाना डालना है, और मेरे हाथ पे फिश है जिसको मतलब वो थैली के अंदर है बट उसको ऐसे सिल्वर पेपर पे रखा है, तो मम्मी ने बोला कि अभी उसको कहीं तो एक खड्डा वो करके खोद के उसमें डालना करके एक खड्डे में डालना करके, क्योंकि फिर ऐसे अगर रखेंगे तो सब कोई भी खा लेगा ना इसलिए, तो चलो पहले जाते हैं उसको और वो खड्डा एक खड्डा बना के उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इनको खाना दे दिया और यहीं वो फिश को दफना है। जब हम आ गए मोमोज खाने ही मैं मेरी प्लेट इधर है इधर काट गया। गाइज मैंने यहाँ पे मच्छी को डाल दिया था और ये लोगों ने निकाल के वो खा लिया। चला था चला गाउन मच्छी ये देखो ये लोग ने निकाल के खा लिया वो मच्छी। गाइज ये देखो खा लिए, नहीं नहीं बोल रही है, ये खा लिए। ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा ऊपर स्टैचू बैठा है। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मैं एंडिंग सुबह कर रही हूँ क्योंकि मैं रात में सो गई थी। तो अगर आपको आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।